हेलो गाइज, आज के शूट में हम आपके सामने बात करेंगे रीट 2022 के फॉर्म भरे जा रहे हैं 10 जनवरी से, और इसकी लास्ट डेट के बारे में आपको बता देता हूं। पहले इसकी 9 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। यदि आपको रीट का एग्जाम दिया है और रीट एग्जाम में क्वालिफाई हो चुके हैं तो आपकी लिविडो वैकेंसी बहुत ही बढ़िया वैकेंसी। इसमें टोटल वैकेंसी के बारे में बात करें 32,000 वैकेंसी है, ठीक है। टोटल 32,000 पोस्ट आई है रीट के एग्जाम के लिए, जिसने एग्जाम में क्वालिफाई हो चुके हैं लेवल फर्स्ट लेवल सेकंड के लिए, ठीक है। जिसमें लेवल फर्स्ट के बारे में बात करें जिसमें 15,500 वैकेंसी हैं, ठीक है। टोटल वैकेंसी 15,500 वैकेंसी हैं रीट लेवल फर्स्ट के लिए, इन्हें प्राइमरी टीचर के लिए, ठीक है। सेकंड के बारे में हम बात करेंगे 16,500 यानी 16,500 पोस्ट है सेकंड लेवल के लिए। इसका फॉर्म आपको कैसे भरना है, ऑनलाइन फॉर्म के बारे में बात करेंगे, यानी आपको ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, रीट का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भर सकते हैं, पूरी जानकारी बताऊंगा मैं आपको हिंदी में स्टेप बाय स्टेप लेके, कंप्यूटर के डिस्प्ले पे लेके चलूंगा मैं आपको। इसमें दिखाऊंगा कैसे अपना फॉर्म अप्लाई करना है, क्या क्या प्रोसेस रहेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करेंगे और क्या क्या परसेंटेज होगी, और कौन सी आपको एडमिशन डेट आपको उसमें फिल करनी होगी और क्या क्या प्रेफरेंस आपको लगानी होगी, इसकी हम कंप्लीट बात करेंगे, पूरी स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल कैरे करेंसीज में सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लिए कैरे करेंसीज को, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर से करें, ठीक है। मैं आपको कंप्यूटर डिस्प्ले लेकर चलता हूं, उससे पहले हमारे चैनल नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, मैं आपको तुरंत पूरी स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉर्म में बताऊंगा समझाऊंगा इसमें, ठीक है। और क्या क्या जरूरत पड़ेगी डॉक्यूमेंट की, SSID के बारे में भी, अरे SSID आप कैसे लॉगिन करेंगे, कैसे SSID बनाएंगे, वो भी इस वीडियो में अब आपको बताऊंगा पूरी स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। या मैं आपको कंप्यूटर डिस्प्ले लेके चलता हूँ, उसमें पूरी स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म भर के देखेंगे। तो गए जब हम पहुंच गए हैं अपने कंप्यूटर की डिस्प्ले के ऊपर, ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट हमने ओपन कर रखी है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से लॉगिन भी कर सकते हैं और यहाँ से अपने एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे आपके डाउनलोड एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे उस समय, ठीक है। यहाँ पर हम बात करेंगे राजस्थान जो TGT और PRT की आपकी वैकेंसी के बारे में, जिसमें 32,000 टोटल वैकेंसी आई हुई हैं जिसकी लास्ट डेट है 9 फरवरी, ठीक है। उसके फॉर्म भरने के रिलेटेड बात करेंगे, ये फॉर्म आप अप्लाई पूरा ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑनलाइन अप्लाई ऑनलाइन का लिंक देखने को मिल रहा है, यहाँ से हम डायरेक्ट अपना ओपन लिंक ओपन कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं SSO राजस्थान ID के बारे में, ठीक है। यहाँ पर आपको इस तरह का पेज देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं ये कंप्लीट हमारा पेज ओपन हो गया है। तो गए जैसे कि हम यहाँ पर ओपन कर रखा है SSO ID की ऑफिशियल वेबसाइट को, इन्हें ओपन करने से रिलेटेड, ठीक है। एक और बात, यदि आपकी SSO ID बनी हुई है तो आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना होगा, अपने SSO ID फिल करके, यानी कैपिटल में फिल करना, स्मॉल में बिल्कुल भी नहीं, आपकी SSO ID ओपन होगी। यहाँ पर हम बात करेंगे पासवर्ड, ठीक है, यानी जिस समय आपने SSO ID क्रिएट की थी, नई SSO ID बनाई थी, उस समय आपने पासवर्ड क्या बनाया था, वो पासवर्ड यहाँ पर आपको फिल करना होगा। एक और बात, यहाँ पर आपका जो कैप्चा लिखा हुआ है यह कैप्चा यहाँ फिल कर देना होगा। फिल करने के बाद में हमको लॉगिन कर लेना होगा, लॉगिन करने के बाद में आपकी पोर्टल खुल जाएगा SSO पोर्टल का, ठीक है। एक और बात, यदि आपकी SSO ID बनी हुई है और आपको पासवर्ड याद नहीं है तो यहाँ पर देख सकते हैं I forgot my password, यानी यहाँ पर अपने forgot password भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जैसे कि SSO ID से रिलेटेड, यदि आपकी SSO ID बनी हुई है और आपको SSO ID याद नहीं है बिल्कुल भी, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ मल्टीपल SSO ID क्लियर टू मर्ज, मर्ज भी कर सकते हैं और अपनी SSO ID सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं SSO ID क्लिक है, यहाँ पर डिजिटल आइडेंटिफायर के लिए, ठीक है, उसको सर्च भी कर सकते हैं, SSO ID के पासवर्ड भी फॉरगॉट कर सकते हैं, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है साफ साफ, ठीक है। नेक्स्ट में हम यहाँ पर बात करेंगे जैसे कि रजिस्ट्रेशन, यदि आपकी SSO ID नहीं बनी हुई है तो आपको पहली बार बनानी है तो SSO ID है तो क्या करना है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने एक नई यहाँ पर इस तरह से कुछ एक इंस्ट्रक्शन देखने को मिल जाएंगे, क्या क्या करना है मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, लाइव में बताऊँगा आपको, ठीक है। ये ओपन हो जाता है आपके सामने, इस तरह से चलेगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर चलने के बाद में आपको क्या करना होगा, यहाँ पर सिटीजन पे ऑटोमेटिक रहता है, ठीक है, नहीं भी रहता है तो आप सिटीजन करके उसके बाद में जन आधार से भी आप SSO ID क्रिएट कर सकते हैं, बहामास ID से क्रिएट कर सकते हैं, या फिर अपने गूगल में Gmail ID से, या फिर अपने Facebook ID से भी अपनी ID बना सकते हैं SSO ID, ठीक है। SSO ID गूगल से भी बना सकते, किसी से भी अपनी ID क्रिएट कर सकते हैं। हमारे पास पहले से SSO ID क्रिएट बनी हुई है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लॉगिन कर लेंगे,
जैसे लॉगिन करेंगे उसके बारे में हम आपको बात बताएंगे। इसके लॉगिन कैसे क्या करनी है, आपको आपकी SSID यहाँ पर डालनी है ऐसे, और यहाँ पर अपने पासवर्ड फिल करना है। फिल करने के बाद मैं आपको अगली ID बता देता हूँ। जैसे कि मेरी ID मान लो कोई भी है, मैं उसको यहाँ से अपनी ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो गाइज इस तरह से हमारी SSID ओपन हो जाती है। जैसे ओपन हो गई यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा इस तरह से, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर टैग देखने को मिला और यहाँ पर आपको फ़ोटो भी देखने को मिल जाएगी। जैसे कि आप हमारी फ़ोटो यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, अच्छे से लगी हुई है, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट में हम बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये तो आपको ऑटोमेटिक पोर्टल देखने को मिल जाता है, यदि नहीं भी देखने को मिलता है रिक्रूटमेंट पोर्टल, रिक्रूटमेंट पोर्टल 2 स्टैक 2, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर दोनों पोर्टल दिखाए हुए हैं। यदि ये नहीं मिलता है आपको, आपको क्या करना होता है, जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ये सर्च का ऑप्शन, यहाँ पर आपको सर्च भी कर सकते हैं रिक्रूटमेंट के नाम से, ठीक है। यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर प्रेस करेंगे, उसके बाद में REC यहाँ पर सर्च कर देना, ऑटोमेटिकली कोई दिक्कत नहीं है, वही टैब ओपन होंगी, बाकी सारी क्लोज हो जाएंगी। तो गाइस हमने जो टाइप किया था REC, ठीक है, यानी रिक्रूटमेंट से रिलेटेड दो ही टैब है। यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने रिक्रूटमेंट टैग 2 है, रिक्रूटमेंट पोर्टल 1 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रिक्रूटमेंट पोर्टल क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में आपको एक इस तरह का पेज देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर देखने के बाद में नेक्स्ट में हम बात करेंगे, ये एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड डायरेक्ट ऑटोमेटिकली साइट पे पहुँच जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पहुँच गया हमारा ऑटोमेटिकली, ठीक है। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है इस तरह से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखने के बाद में यहाँ पर आपको वैकेंसी से रिलेटेड यहाँ पर ऑन गोइंग जो वैकेंसी अपडेट है फिलहाल चल रही है, उस वैकेंसी का नाम यहाँ पर इस तरह से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर जूम करके दिखा देता हूँ। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं राजस्थान प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल टीचर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2021-22 के अनुसार, जिसमें टोटल वैकेंसी हैं आपकी 32,000 पोस्ट हैं, ठीक है। इसका फॉर्म भरने आ जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अप्लाई ऑनलाइन, ये जो आपका ब्लू कलर का है यहाँ पर हम टिक कर देंगे। जैसे टिक करेंगे उसके बाद में इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल रहा है आपको। आपको किस साइड से फॉर्म भरना है, जैसे कि नॉन TSP से अप्लाई करना है या फिर TSP से, यहाँ पर अलग अलग लिखे हुए हैं। जनरल यहाँ पर देख सकते हैं जनरल टीचर लेवल 1 नॉन TSP, या फिर यहाँ पर देख सकते हैं जनरल टीचर लेवल 1 TSP, ये अलग अलग लिखे हुए हैं। यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखना है, इनमें से चूज करना वही आपसे रिलेटेड हो, ठीक है। एक और बात, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट भी देखना होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट भी देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं सब्जेक्ट, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है साफ साफ अक्षर में सब्जेक्ट है, यानी हिंदी इंग्लिश, कौन से सब्जेक्ट से आपने क्वालिफाई किया है रीट का सब्जेक्ट को, उसी सब्जेक्ट को आप चूज कर सकते हैं। यदि आपका संस्कृत है तो संस्कृत नॉन TSP से बनना चाहते हैं तो संस्कृत से भी अप्लाई कर सकते हैं। लेवल का ध्यान रखना, सेकंड लेवल है या फिर आपका फर्स्ट लेवल है, ये बिल्कुल ध्यान रखना। एक और बात, यदि आपको यहाँ पर टोटल सब्जेक्ट नहीं देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं प्रीवियस, यानी सब आपके पेज लिखे हुए हैं, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज और फोर्थ पेज, इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं, या नेक्स्ट पेज पे भी आप करके देख सकते हैं कि आपको किसी दूसरे सब्जेक्ट से फिल करना है। जैसे कि मान लो आपका मैथ साइंस का सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं दिखा है, देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर नेक्स्ट सब्जेक्ट भी कर सकते हैं, इस तरह से थर्ड सब्जेक्ट पे लेके जा सकते हैं, फोर्थ पे भी लेके जा सकते हैं, इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं। फोर्थ वाले सब्जेक्ट में आपको ये देखने मिल जाएंगे, फर्स्ट में भी आपको इस तरह से देखने मिल जाएंगे। जैसे कि मान लो आपको ये वाला बनना है, मैथ साइंस से बनना है या सोशल साइंस से बनना है या फिर आपको संस्कृत से बनना है, कि मान लो किसी से भी आपको अप्लाई करना है, हिंदी से करना है, इंग्लिश से करना है, किसी सब्जेक्ट से करना है, तो उसी से अप्लाई कर सकते हैं। मान लो कि मैं SS से अप्लाई करूँगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्पेशल टीचर लेवल 1 नॉन TSP, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है सब्जेक्ट, और यहाँ पर नेक्स्ट में हम बात कर सकते हैं, ठीक है, SS यानी सोशल साइंस नॉन TSP और TSP यहाँ पर लिखे हुए हैं ये, ठीक है। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट का ध्यान रखना होगा, ठीक है। जैसे कि मान लो मैं SSC सोशल साइंस नॉन TSP से अप्लाई करूँगा सेकेंड लेवल के लिए, ठीक है, इस पर टिक कर दूंगा। टिक करने के बाद में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा आपको, और यहाँ पर आपकी फ़ोटो लगी हुई देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर नाम भी देखने को मिल जाएगा। ये देखने के बाद में आपको क्या करना होगा, यहाँ पर
यानी फर्स्ट वाला जो कॉलम है आपको अप्लीकेंट नेम या कि आपको अपना नाम फिल करना है अच्छे से साफ साफ अक्षरों में। फिर एक और बात, यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा मेल या फीमेल, ठीक है, यानी अपने मेल का फॉर्म भर रहे हैं या फिर फीमेल से रिलेटेड हैं, कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो आपको सेलेक्ट कर लेने होगी। मान लो कि आप मेल से कर रहे हैं तो मेल वाले क्लिक करना, और यदि फीमेल से हैं तो फीमेल पर टिक कर लेना, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे आप, ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे अपने पिताजी का नाम, जो आपके फादर नेम यानी पिताजी का नाम आपको कैपिटल अक्षर में फिल करना होगा। उसी के बाद में अपने मदर का नाम भी यहाँ पर इस तरह से फिल करना होगा इस कॉलम में, यहाँ पर पिताजी का नाम आपको और यहाँ माताजी का नाम, ठीक है, कैपिटल अक्षर में फिल करना। उसके बाद में यहाँ पर आपकी आती है डेट ऑफ बर्थ यानी आपकी जन्मतिथि, आपकी जन्मतिथि क्या है वो यहाँ पर आपको चूज करके फिल कर लेना होगा, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ के बारे में बात करें तो कैसे करना होगा, यहाँ पर हम जैसे करेंगे कैलेंडर के ऊपर, कैलेंडर के ऊपर चूज करने के बाद में आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना होगा अपनी जो एज है, डेट ऑफ बर्थ है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में हम बात करेंगे अगले स्टेप से रिलेटेड, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपकी फिल कर दोगे, ऑटोमेटिक यहाँ की एज ऑटोमेटिकली शो कर देगी कि आपकी कितनी एज हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पर हम बात करेंगे कैटेगरी, यानी आप कौन सी कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई करोगे, जैसे अदर स्टेट से हैं या फिर राजस्थान या होम स्टेट से हैं, तो किसी से भी हैं तो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना होगा, ठीक है। या तो अदर स्टेट से हैं तो आपको जनरल से अप्लाई कर लेना होगा। यदि आप राजस्थान से रेजिडेंस निवासी हैं तो आप कौन से एससी एसटी शहरी ओबीसी नॉन क्रिमिलेयर या एमबीसी नॉन क्रिमिलेयर किस में आते हैं वो आप सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। जैसे कि मान लो जनरल सेलेक्ट करेंगे, जनरल सेलेक्ट करने के बाद में क्या फिर आपको अगले स्टेप में क्या लिखा मिलेगा, यहाँ पर आपको देखा मिलेगा साफ साफ अक्षर में, क्या आप आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग से हैं, यानी डू यू बिलोंग टू इकोनॉमिकल, ठीक है। यदि आपको EWS यानी EWS का आपका जो उसमें आरक्षण मिला हुआ है उससे अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यस, वरना नो कर सकते हैं, ठीक है। EWS अप्लाई करेंगे तो यस करें, वरना नो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में हम बात करेंगे हैंडीकैप, जो स्टूडेंट हैं जो विशेष दिव्यांग जन है उनके लिए, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से, यदि आप हैंडीकैप से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर ध्यान रखें अच्छे तरह से वही सेलेक्ट करें, ठीक है। मान लो आपको लोकोमेट्री से हैं या मल्टीपल डिसेबिलिटी हैं, नो ऑटो अप्लीकेबल हैं, किस में हैं, हेयरिंग इम्पेयर या फिर ब्लाइंडनेस लो विजन से हैं, तो वही आप सेलेक्ट करके रखें, ठीक है। यहाँ पर मान लो आपको लोकोमेट्री करना है तो यहाँ पर इस तरह से लोकोमेट्री कर दें, वरना नहीं है तो यहाँ पर रहने दें, बिल्कुल खाली इस तरह से रहने दें। तो उसके बारे में क्या करना होगा, नॉट अप्लीकेबल, ठीक है। यदि आप हैंडीकैप नहीं हैं यानी स्पेशल दिव्यांग नहीं है तो नो करके अगले स्टेप में आप जा सकते हैं। जैसे अगले स्टेप क्या होगी, यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली स्टेप आपकी बंद हो जाती है ऑटोमेटिकली, ठीक है। यदि आप यस करेंगे तो आपको यहाँ पर परसेंटेज हैंडीकैप की परसेंटेज कितनी है वो यहाँ पर फिल कर लेनी होगी, ठीक है। अब अगले स्टेप में हम बात करेंगे आपकी रिलीजन, हिंदू, क्या आपका जैसे हिंदू से, बुद्धिस्ट से, क्रिश्चियन से, जैन से, मुस्लिम, अदर से, किससे आप बिलोंग कर सकें उसी को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मैं हिंदू से बिलोंग करता हूँ तो हिंदू वाले सेलेक्ट को ऑप्शन को ओपन गैस कर लूँगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट में बात करेंगे मैरिड स्टेटस के बारे में, यानी आप शादीशुदा हैं या फिर अनमैरिड हैं या सिंगल हैं, यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं मैरिड है या नेवर मैरिड है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं मैरिड स्टेटस के बारे में, जैसे यहाँ पर आपको डाइवर्स, मैरिड, अनमैरिड, विडो, ये आपको चार ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। आप तलाकशुदा हैं तो वो भी आप इस तरह से कर सकते हैं। एक और बात, यदि आप अनमैरिड हैं तो यहाँ पर अनमैरिड वाला का ऑप्शन ले लेना, यदि मैरिड हैं तो मैरिड का, या फिर डाइवर्स हैं तो आप डाइवर्स वाले, या फिर विडो हैं जैसे विधवा हैं तो वो यह वाला ऑप्शन टिक करके फिल कर सकते हैं। कि मान लो कि आपको अनमैरिड भर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर मान लो कि मैरिड फिल किया तो उसके बाद में आपको यहाँ पर जीवनसाथी का नाम भी फिल कर लेना होगा, यानी आपकी हस्बैंड का नाम, यानी जैसे कि आपकी वाइफ का नाम, वो यहाँ पर आपको फिल करना होगा, ठीक है, कैपिटल एक्स में। अब नेक्स्ट में हम बात करेंगे, ठीक है, ये यहाँ पर आपको लिखा हुआ है साफ साफ अक्षरों में हिंदी में, क्या आपके एक से अधिक जीवित पति और पत्नी है क्या, ठीक है। यदि आपके एक से अधिक जीवित पति पत्नी है तो यहाँ पर यस करें, वरना नो कर दें, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है इस तरह से, ठीक है, यानी यस करेंगे तो आपको यहाँ पर इस तरह से कर लेना होगा, नहीं तो फिर आपको नो कर सकते हैं, ठीक है। एक ही पति पत्नी है तो,
फिर नेक्स्ट में हम बात करेंगे अगले स्टेप, यहाँ पर देख सकते हैं साफ साफ ऑप्शन में। आपके लिए वीडियो बहुत ही लंबी हो सकती है, यदि आपने ये फॉर्म भरना है तो बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर बिल्कुल स्किप ना करें, ठीक है। यदि आपको नहीं बनना है तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो स्किप करके जा सकते हैं, वीडियो को यहीं पे रोक सकते हैं, ठीक है। मैं आपको अच्छे से पूरी बात बताऊंगा क्या क्या करना है, ठीक है। आपके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट है तो वीडियो को बिल्कुल लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर से करें, ठीक है। नेक्स्ट में हम बात करें, क्या आप विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से हुआ है जिसके पहले से जीवित पत्नी है, ठीक है। यानी यहाँ पर लिखा हुआ है आर यू मैरिड टू पर्सन हैविंग ऑलरेडी वाइफ लविंग, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से, ठीक है, यदि विवाह किसी व्यक्ति से हुआ है तो यस करें वरना नो कर दें, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम बात करेंगे, ठीक है। अगले स्टेप में क्या आता है, विवाहित पंजीकरण संख्या, यानी आप मैरिड हैं तो आपको मैरिड सर्टिफिकेट का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना होगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ अक्षरों में, मैंडेटरी ये भी है, यानी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट में हम बात करेंगे बच्चों से रिलेटेड, यदि आपके कितने बच्चे हैं 2002 से पहले या फिर 2002 के बाद में, ठीक है। यदि 2002 से पहले हैं तो इसको लंबी फिल करें, 2002 के बाद हैं तो यहाँ फिल करें, ऑटोमेटिक यहाँ पर काउंटिंग आ जाती है। यदि एक भी नहीं है तो यहाँ पर जीरो टाइप करें, ठीक है, दोनों कॉलम में, ठीक है। अभी क्या आपने शादी में दहेज स्वीकार किया है, तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है साफ साफ अक्षरों में, तो यदि किया है तो यस करें वरना आप नो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट में हम बात करेंगे विवाह से रिलेटेड अपने मोबाइल नंबर से रिलेटेड, यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर फिल करना होगा, ठीक है। यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल करने के बाद में यहाँ पर आपको मेल आईडी ऑटोमेटिकली देखने को मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर लिखी हुई है मैंने मेल आईडी को छुपा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट में हम बात करेंगे अपनी आधार आईडी, यानी आपको यहाँ पर अपनी आधार आईडी यहाँ पर फिल कर लेनी होगी, ठीक है। आपकी जन आधार भी चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, राजस्थान से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट में हम बात करेंगे अगले स्टेप अप्लाइंग फॉर के लिए, यानी आवेदन से रिलेटेड, क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से हैं या फिर पोस्ट कैटेगरी, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। उसको नो कर देंगे हम, यहाँ पर राजस्थान शेड्यूल एरिया से हैं तो यस करें वरना आप नो करें। नेक्स्ट में हम बात करेंगे पोस्ट कैटेगरी, आपकी कैटेगरी से रिलेटेड कौन सी है, हेयरी इम्पेयर्ड, मेंटल रजिस्टर्ड या विजुअल इम्पेयर्ड है, तो यस यहाँ पर टिक करना होना, नहीं तो वरना हटा दें, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम बात करेंगे अपने एड्रेस से रिलेटेड, आपको यहाँ पर एड्रेस फिल करना होगा, साफ साफ अक्षरों में अपने एड्रेस फिल करें और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट चूज करें और यहाँ पर सिटी आपके फिल करें, ठीक है। आपका एक ही एड्रेस है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर सेम वाले टिक पे टिक कर दें फिर, ठीक है। यदि दो एड्रेस हैं तो दो एड्रेस फिल कर लें, उसके बाद में आपको नेक्स्ट वाले कॉलम यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं साफ साफ अक्षरों में ये जो नेक्स्ट कॉलम है, यहाँ पर नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट कॉलम में करने के बाद में क्या आएगा मैं वो आपको दिखाऊंगा इसमें। तो गाइस हम अगले स्टेप में पहुँच गए हैं, सेकंड स्टेप में, ठीक है। यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा ना, हमने जैसे कि मैंने आपको बताया था बेसिक डिटेल, बेसिक डिटेल काफ़ी सारी लंबी रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करेंगे पर्सनल डिटेल, आपकी पर्सनल डिटेल सेकंड स्टेप में पहुंच गए हैं। उसके बाद में एजुकेशन से रिलेटेड बात करेंगे, फिर आइडेंटिफिकेशन इकोनॉमिक्स यहाँ पर करेंगे, फिर हम प्रेफरेंस यहाँ पर फिल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में इस तरह से भरेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम पहुँच गए हैं जैसे कि नेशनलिटी आपकी क्या है, इंडियन, यहाँ पर टिक कर देंगे। होम स्टेट आपका क्या बिलोंग करते हैं, हरियाणा, राजस्थान, जो भी आपका होम स्टेट है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप हरियाणा से हैं तो हरियाणा करें वरना राजस्थान कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से राजस्थान चूज कर लेते हैं, फिर होम डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे, आप होम डिस्ट्रिक्ट क्या है वो उसी को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर ब्लॉक भी आता है, आपको ब्लॉक ये आप कर सकते हैं, जो आपका रेड मार्क है उसको कंप्लीट कर लेना होगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, सेटल यहाँ पर देख सकते हैं, यस या नो यहाँ पर देख सकते हैं, अदर से हैं तो यस करें या फिर नहीं नो करें, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से आपके कंट्री के बारे में पूछेगा, ठीक है। उसके बाद में अगले स्टेप में क्या आएगा, आपको यहाँ पर लिखा हुआ है क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, यानी आर यू एक्स सर्विसमैन, यदि हैं तो यस करें वरना आप नो कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से नो कर दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करेंगे स्पोर्ट्स पर्सन, यदि आपके पास ESP जिसको हम बोलते हैं एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन, ठीक है, यानी आपके पास स्पोर्ट्स मैन की मार्कशीट है, यानी यहाँ पर ग्रेजुएशन वाली, तो वो यहाँ पर यस करके
अपने सेलेक्ट करके स्पोर्ट्स के सीरियल नंबर आपको टेम्पलेट फिल करने होंगे। यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं नेशनली या इंटरनेशनली, यह तो ये इसका नहीं वरना आप नो कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर नो करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट में हम बात करेंगे एनसीसी, यदि आपके पास एनसीसी है तो यस करनी है वरना नो कर दें। ठीक है, एनसीसी है तो यस करें, यस करने के बाद में यहाँ पर आपको डेट फिल करनी होगी एनसीसी की, स्टार्टिंग से लेकर कब से कब तक आपने एनसीसी ली थी, ठीक है, उसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट में हम बात करेंगे आर यू एक्स प्रिजनर, ठीक है, क्या आप भूतपूर्व कैदी हैं, कैदी हैं तो यस करें वरना अब नो करें। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ अक्षरों में, ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट में हम बात करेंगे यानी एग्जिटिंग स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप मौजूदा राज्य सरकार के कर्मचारी स्थायी हैं, ठीक है, हैं तो यस करें वरना नो कर दें। यस करेंगे तो आपको ये कॉलम कंप्लीट करना होगा, पोस्ट बतानी होगी, ज्वाइनिंग डेट बतानी होगी, यहाँ पर एनओसी के बारे में भी बताना होगा। ठीक है, जैसे कि मैं नो कर देता हूँ, अगले फॉर्म मुझे फॉर्म फिल करना है तो यहाँ पर देखेंगे, आज यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ अक्षरों में, ठीक है, ये यहाँ पर लाइन फिल देख सकते हैं, इज योर फैमिली एनुअल इनकम लेस देन 2,50,000, यदि आपकी इनकम फैमिली की 2,50,000 से कम है वार्षिक आय की तो आपको यस करना होगा यहाँ पर, ठीक है, वरना आप नो करें। ठीक है, यहाँ पर हम नो कर देते हैं। ठीक है, अब अदर में यहाँ पर एडिशनल, यहाँ पर लिखे हुए क्या क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय हैं या फिर किस में से हैं, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर देखने के बाद में। ठीक है, नेक्स्ट में हम बात करेंगे करेक्टर वेरिफिकेशन, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ अक्षर में करेक्टर वेरिफिकेशन क्या है, तो वो यहाँ पर कर सकते हैं, नहीं नो करें। ठीक है, नो करने के बाद में नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, होम स्टे स्टोरी यहाँ पर रह गया था आपका, हमने यहाँ पर होम स्टेट फिल नहीं किया था, मान लो कोई भी होम स्टेट फिल कर देते हैं, ठीक है, किसी को फिल कर लेते हैं, जैसे जयपुर को फिल कर लिया, फिल करने के बाद में अगले स्टेप को या करेंगे, यहाँ पर हम सेव कर देंगे। एनसीसी को हमने यस कर दिया होगा, सॉरी कोई दिक्कत नहीं, हम नो करेंगे यहाँ पर, नो करने के बाद में यहाँ पर अब क्या कर देंगे, यस कर देंगे। ठीक है, अब अगले स्टेप में हम पहुँच गए हैं एजुकेशन, यानी हमारी क्वालिफिकेशन क्या है वो यहाँ पर आपको दर्शानी होगी। ठीक, एक और बात ध्यान रखना, जैसे आप ओपन करेंगे यहाँ पर एक टिक मार्क देखने को मिल जाएगा छोटा सा, इस पर टिक कर लेना, ठीक है, ताकि इस पर टिक करने के बाद में ही आपका सेव होगा फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट में यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आपकी एजुकेशन क्या क्या यहाँ पर आपको दर्शाने को, जैसे कि यहाँ पर 10th की, 12th, ग्रेजुएट, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ अक्षरों में। ठीक है, पाँच नंबर पे क्या है आपकी, यहाँ पर बीएड, ठीक है, पाँच नंबर कॉलम में, छठा कॉलम में क्या है आपको, रीट, यानी आपने रीट क्वालिफाई किया है उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर फिल करनी होगी एजुकेशन। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या करनी होगी मैं आपको बता देता हूँ, फर्स्ट वाला एक कॉलम बताऊँगा, सभी कॉलम सेम ही करने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट में हम बात करेंगे, जैसे कि 10th, यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट वाला कॉलम आपका 10th है, नहीं सेकेंडरी है, आपको यहाँ पर सब्जेक्ट का लेवल बताना है, टोटल ग्रुप के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट में इस कॉलम में आपको क्या बताना है, आपकी बोर्ड का नाम, यानी आपने 10वीं कौन से बोर्ड ने बोर्ड से की, राजस्थान बोर्ड, जैसे कि RBSE यहाँ पर फिल कर सकते हैं। मान लो ना आपने हरियाणा बोर्ड से फिल HBSE बोर्ड से की है तो HBSE भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से CBSE बोर्ड से हैं तो CBSE भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में यहाँ पर हम बात करेंगे इस कॉलम में रोल नंबर, आपके जो 10th के रोल नंबर हैं वो यहाँ पर आपको फिल करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट में हम बात करेंगे परिणाम, यानी आपका रिजल्ट क्या रहा है, यहाँ पर लिख परसेंटेज, जैसे यहाँ पर परसेंटेज दबाएंगे उसके बाद में आपका ईयर चूज करना होगा, कौन से सन में आपने 10वीं पास की थी वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी होगी। उसके बाद में नेक्स्ट में लिखा हुआ है ड्यूरेशन इन मंथ, इन अवधि महीनों में। ठीक है, आपने एक साल में 10वीं की या फिर आपने 2 साल में या फिर 3 साल में, वो आपको सेलेक्ट करनी होगी। जैसे कि मान लो 1 साल में तो आपको यहाँ पर 1 लिख देना होगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है आपको टोटल मार्क्स, टोटल अंक कितने रहे, यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि मान लो आपका 10वीं का पेपर 600 नंबर का पेपर था तो यहाँ पर 600 ही टाइप करना है, कि 500 का था तो 500 टाइप करना। इसमें मान लो कि आपके 500 नंबर में से आपको कितने नंबर प्राप्त हुए, यानी जिसको हम बोलते हैं मार्क्स ऑब्टेंड। ठीक है, जैसे कि मान लो 300 नंबर मुझे 340 नंबर मिला तो यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट में हम बात करेंगे परसेंटेज, ऑटोमेटिक यहाँ पर आपकी परसेंटेज आ जाएगी, नहीं भी आती है तो आपको टाइप कर देनी होगी। जैसे कि मान लो मैं यहाँ फिल कर देता हूँ 600। ठीक है, यहाँ 600 फिल करने के बाद में यहाँ फिल कर देता हूँ जैसे 340,
जैसे टाइप करूंगा ऑटोमेटिक आपको यहाँ पर परसेंटेज देखने को मिल रही है, को हाँ देख रही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगले स्टेप में आपको यहाँ पर तिथि, यानी इस कॉलम में आपको तिथि फिल करनी होगी, डेट यानी आपको एडमिशन डेट यहाँ फिल करनी होगी, ठीक है। नहीं ध्यान है तो आप अंदाजे से फिल कर सकते हैं कि मान लो, ठीक है, पासिंग डेट आपकी मार्कशीट में नीचे नीचे लिखी मिल जाएगी, ठीक है, लास्ट लास्ट में वो यहाँ पर पासिंग इश्यू डेट यहाँ पर लिखनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट में इस तरह से आपको ट्वेल्थ की डिटेल भरनी होगी, ग्रेजुएट की इस तरह से भरनी होगी, पोस्ट ग्रेजुएट है तो वो भी फिल कर सकते हैं, ठीक है। और आपकी यहाँ पर बीएड की डिटेल इस तरह से फिल करनी होगी और ट्रीट की भी इसी तरह से आपको फिल कर लेनी होगी, ठीक है। अगले स्टेप में आपके क्या आता है यहाँ पर, ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है सब सब डिबेड डिटेल बहिष्कार करने का विवरण, यस है तो यस करें वरना नो कर दें, ठीक है। ये करने के बाद में अगले स्टेप में क्या है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट एंड रीट, आपका सब्जेक्ट से रीट कौन से लेवल का है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। लैंग्वेज भाषा यहाँ पर आप चूज करनी होगी, जैसे आपको कौन सी भाषा में है, जैसे हिंदी इंग्लिश संस्कृत कौन सी है वो चूज कर सकते हैं। सेकेंड लेवल क्या है वो भी चूज कर सकते हैं। थर्ड के लिए भी यहाँ पर इस तरह से चूज कर सकते हैं। इस तरह से आपको सेकंड भाषाएं लिखी हुई हैं, ठीक है। ये देखने के बाद में आपको मीडियम यानी आपको आवेदन ने स्नातक की पढ़ाई किस माध्यम से की है तो यहाँ पर चूज करनी होगी आपको हिंदी या इंग्लिश मीडियम से, वो आपको सेलेक्ट कर लेना होगा, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर लिखा हुआ है रेट परसेंटेज, यानी आपको यहाँ पर परसेंटेज टाइप करनी होगी, ठीक है। यहाँ पर साफ साफ पक्ष लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको रीट के परसेंटेज, यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन के परसेंटेज, यहाँ पर आपको टोटल परसेंटेज यहाँ पर फिल कर देनी होगी। उसके बाद में आपको नेक्स्ट कर लेना होगा। तो गाइस जैसा कि मैंने क्वालिफिकेशन वाले कॉलम को कंप्लीट कर लिया है, एजुकेशन वाले को अब हम पहुंच गए हैं आइडेंटिफिकेशन एंक्लोजर पर, ठीक है। यहां पर आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। जैसे कि हम बात करें फ़ोटो 50 के भी कम से कम और 100 के भी ज़्यादा ज़्यादा, यानी मिनिमम होनी चाहिए 50 के भी से कम नहीं होनी चाहिए फ़ोटो की साइज़, और ज़्यादा ज़्यादा 100 के भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में चूज फाइल करके अपलोड कर सकते हैं। और सिग्नेचर के बारे में बात करें 20 के भी कम से कम और ज़्यादा ज़्यादा 50 के भी, यानी 20 से 50 के भी के बीच में ही अपलोड होगी आपकी, ठीक है। उसके बाद में हम नेक्स्ट यहाँ से कर देंगे। जैसे नेक्स्ट करेंगे आपको प्रेफरेंस फिल करनी होगी, यानी आपको डिस्ट्रिक्ट की चूज करनी होगी, ठीक है। आपको कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट को यानी प्रेफरेंस देनी है, ठीक है। जैसे कि हम बात कर सकते हैं टोटल डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर दिखाए गए हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर करके अपना डिस्ट्रिक्ट फिल कर सकते हैं, ठीक है। जिससे आपको डिस्ट्रिक्ट चूज करना है वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ से फिल कर सकते हैं। कंप्लीट मैंने डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर चूज किया हुआ है, उसके बाद में नेक्स्ट कर देंगे। जैसे हम नेक्स्ट करेंगे आपके सामने पूरा फॉर्म भरा हुआ प्रोफॉर्मा प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से अपना पूरा फॉर्म चेक कर सकते हैं, ताकि आपको फॉर्म में कोई मिस्टेक लगती है, कोई प्रॉब्लम लगती है, तो यहाँ से अपना फॉर्म अच्छे से ठीक कर सकते हैं अभी, फिर बाद में आपका फॉर्म ठीक नहीं होगा, ठीक है। तो गए जब हमने कंप्लीट एप्लीकेशन प्रीव्यू यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर यदि आपको कोई फॉर्म में गलती लगती है तो वो ठीक भी कर सकते हैं। एक और बात, यदि मैंने ये फॉर्म जो वीडियो बनाई है ये कम्प्लीटली एक डेमो के बेस पे बनाई है, आपको सिर्फ फॉर्म भरने के रिलेटेड यानी समझाने से रिलेटेड ये जो डाटा लिखे हुए हैं ये बिल्कुल भी आप फिल नहीं करें, ठीक है। अपने डाटा अच्छे से फिल करें, ये डाटा बिल्कुल भी आप बिल्कुल ध्यान न लें। मैंने सिर्फ एक डेमो वीडियो बनाई है, ठीक है, आपको सिर्फ जाने के लिए, ठीक है। जैसा कि मैंने अपने चैनल का नाम भी फिल कर दिया, जैसे डेट ऑफ बर्थ फिल कर रखी है, ये भी इनसे भी कोई रिलेटेड नहीं है हमारा, ठीक है। ये जो मैंने एड्रेस पे फिल किया वो भी मैंने वैसे ही अंदाजे से फिल कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर अपना कंप्लीट डाटा एड्रेस चेक कर सकते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट में, ठीक है। नेक्स्ट में मैं आपको बताऊंगा एजुकेशन, ठीक है। ये जो मैंने एजुकेशन भी फिल की है वैसे अंदाजे से मैंने एजुकेशन भी फिल कर दी है और परसेंटेज भी यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। एक और बात, आपने जो रीट का 2021 का एग्ज़ाम दिया है अपने रोल नंबर ही वही और जो आपके मार्कशीट में रोल नंबर है वही अच्छे से देख कर फिल करिए, और आपके नंबर कितने आए हैं उस नंबर के अनुसार, और आपकी यहाँ पर जो एडमिशन डेट है वो एडमिशन डेट ही फिल करें, ठीक है। यहाँ पर अच्छे से देखकर और पासिंग डेट है वह है वो भी अच्छे से देखकर फिल करें। अब नेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं प्रेफरेंस, ठीक है। जो मैंने प्रेफरेंस फिल की है मैंने तो वैसे ही सीरियल वाइज प्रेफरेंस फिल कर दी है, ठीक है। यदि आपको जो डिस्ट्रिक्ट नज़दीक लगता है, जो डिस्ट्रिक्ट आपको ठीक लगता है, उसी डिस्टेंस का फर्स्ट प्रेफरेंस फिल करें,
ठीक है। उसके बाद मैंने टोटल डिस्टेंस आपको ये प्रेफरेंस तो फिल करने होंगे टोटल के टोटल, ठीक है, जितने प्रेफरेंस हैं 30 तक यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है नोट सबमिटेड, फी स्टेटस के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट में यहाँ पर हम बात करेंगे डिक्लेरेशन, ठीक है। इस वाले टिक को आपको यस कर लेना होगा, जैसे मैंने टिक कर दिया है। टिक करने के बाद में आपको फाइनल सबमिट पे क्लिक कर लेना होगा। उसके बाद में फ़ी पेमेंट करेंगे, फ़ी पेमेंट करने के बाद में इसका हम प्रिंट आउट भी निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पर फाइनल सबमिट लिखा हुआ है, फाइनल सबमिट कर देते हैं। जैसे फाइनल सबमिट करेंगे यहाँ पर टिक का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ से फाइनल सबमिट भी कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है इस तरह से, यहाँ पर फ़ोटो भी मेरी यहाँ पर लगी हुई है, मैंने जब मेरी फ़ोटो अपडेट की थी, और यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपको कम्प्लीटली कैरियर केयर एनसीएस के नाम से मैंने फॉर्म फिल किया था। और इसकी फ़ीस के बारे में बात करें तो यहाँ पर एक फ़ी पेमेंट का चालान भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है इस तरह से, ठीक है। इसके बाद हम फीस कर देंगे, जैसे फ़ी पेज करेंगे उसके बाद में कम्प्लीट फ़ी पेमेंट भी कर देंगे, डेबिट क्रेडिट नेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर देंगे। उसके बाद में आपको क्या करना होगा, इसका प्रिंट प्रीव्यू लेकर प्रिंट आउट अपना अच्छे से अपने सेफ रख लें, स्क्रीनशॉट रख लें, जो भी आपको करना है प्रिंट आउट निकलवा कर रख लें, ठीक है, ताकि आपको जब भी काउंसलिंग होगी उस समय आपको ज़रूरत पड़ेगी इस प्रिंट आउट की, ठीक है। यहाँ से फी पेमेंट भी कर लेते हैं, फी पेमेंट करने के बाद में प्रिंट आउट भी निकाल लेते हैं। तो गाइज आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके किसी भाई बहन को किसी फॉर्म भरना है तो वो अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपको फी पेमेंट नेट बैंकिंग से करनी है तो नेट बैंकिंग करें, यदि फिर एग्रीकल्चर से करना है तो एग्रीकल्चर को क्लिक करने के बाद में यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं, किसी को आप चूज कर सकते हैं, किसी कार्ड से पेमेंट करनी है उसी को करने के बाद में फी पे नाउ पे क्लिक करके अपना फी पेमेंट का सर्विस चार्ज देखना चाहते हैं तो यहाँ पे सर्विस चार्ज भी देख सकते हैं। इस तरह से मैं अपनी कंप्लीट फ़ी पेमेंट कर लेता हूँ, उसके बाद में आपको ये प्रिंट आउट बताया था वहाँ से मैं प्रिंट आउट भी निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो गाइस इसका फॉर्म भरने का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, ये फॉर्म आपका लिंक डायरेक्ट वहीं से मिल जाएगा, ताकि आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यदि फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और हमारी नेक्स्ट वीडियो, तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय बाय।